कल की घटना है, दिल्ली की बहुत ही दर्दनाक घटना। मंगोलपुर इलाके के एक लड़के थे रिंकू शर्मा, उनको घर से बुलाया, घर में घुस करके और चाकू से मार करके उनकी हत्या कर दी गई। मामला है, इसमें बड़ी तनाव का माहौल है, बड़ी खबरें आ रही हैं इसमें कि 25 साल के रिंकू शर्मा की बेरहमी से चाकू से हत्या कर दी गई है। ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा है कि जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा। काफ़ी बड़ी घटना है। बीच बचाव के लिए जो दो युवक आए थे उन्हें भी चाकू मारा गया, वो भी जख्मी है। इलाके में तनाव है, पुलिस व्यवस्था काफ़ी है। और इसमें मामला यह है कि मंगोलपुर इलाके में आधे दर्जन लोग करीब रात को आए और उसकी हत्या कर दी। अब इसमें कई तरीके की बातें हो रही है। बातें हैं कि पहले का विवाद था, दशहरे में कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ था तो उसके विवाद थे, जबकि ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं कि राम मंदिर का चंदा को लेकर के विवाद हो गया तो उसमें ये हत्या हुई है। लेकिन जो केस दर्ज किया गया है, पहले रिंकू के बड़े भाई मनु शर्मा के बयान पर पहले हत्या की कोशिश आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था, पहले की बात है। लेकिन रिंकू की मौत के बाद हत्या के सेक्शन को जोड़ दिया गया है। 19 वर्षीय मनु शर्मा जो भाई, उन्होंने बयान दिया कि माता पिता और दो भाइयों के साथ मंगोलपुरी में रहता था रिंकू। घर में पिता अजय शर्मा, माँ और छोटा भाई, बड़ा भाई, सब लोग रहते थे एक साथ। और कुछ ही दौर में दानिश, इस्लाम, मेहताब, जाहिद, ये लोग रहते थे। और राम मंदिर पार्क में प्रोग्राम को, दशहरे की बात है, दशहरे के समय में राम मंदिर पार्क में प्रोग्राम को लेकर के कुछ कहासुनी हुई थी। उसी दिन से ये लोग धमकियां दे रहे थे, जान से मारने की धमकियां थी। और उसके बाद रात करीब 10:30 बजे ये जितने हैं FIR जो हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ कि दानिश, इस्लाम, मेहताब, जाहिद, ये सारे जितने लोग हैं, शांति लोग, शांति दूत लोग, 10:30 बजे घर में आए, गली में घुसे और सभी के हाथों में हथियार और डंडे थे। और रिंकू के घर के बाहर आके गाली गलौज करने लगे। और उसके भाई ने जब टोका टाका किया तो जो महिलाएं रहती हैं उन लोगों ने बोला कि गाली गलौज मत करो। उसके बाद लेकिन वो मामला बढ़ता गया और उन लोगों ने, इस्लाम ने आकर के रिंकू का गला पकड़ लिया और गला पकड़ने के बाद ताबड़तोड़ चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। ये सारा मामला है। पता नहीं समाज कहाँ जा रहा है, कैसे लोग हो रहे हैं। और ये बहुत ही दुखद घटना है और इसकी न्याय की लड़ाई ट्विटर पे जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा भी चल रहा है। अब इसमें देखना है पुलिस का एक्शन, मामले में थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। और इलाके में पुलिस व्यवस्था काफ़ी है, काफ़ी तनाव का माहौल है, आगे देखते हैं।